हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। से जिस तरीके से टिकटों का चयन किया गया उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी हर काम करती है। टिकट वितरण भी सोच समझ के किया हुआ है और जिनको टिकट मिला है उनको लेके उनके क्षेत्र में लोगों में बहुत खुशी का माहौल भी है। कई सारे नेताओं का टिकट भी जो है वो कटा है, उसको टिकट तो कम है और अपेक्षा ज़्यादा लोगों को रहती है, तो ये हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंची और उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कम है, बांग्लादेश में कम है, हिंदुस्तान में कम है। उनका जनरल नॉलेज कितना कमज़ोर है ये हम लोग पहले से भी देख ही रहे हैं। लगातार वो उसको कोशिश करते जा रहे हैं, वो समझ गए हैं कि उनके बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है, उनकी आलोचना करके आप उनकी उपलब्धियों पर पानी थोड़ी फिर देंगे। आलोचनाएं उपलब्धियों पर पानी नहीं फिर सकती है। वैसे मोदी जी का विजय रथ चल रहा है, न सिर्फ काम हुए हैं बल्कि जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। बाकी क्या लोग बोल रहे हैं उसको जनता उसमें ध्यान भी नहीं दे रही। आखिरी सवाल लोकसभा चुनावों को लेकर के इतनी सीटें जितने चुनी सर, एक छोटा हमारे साथ जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें गए, बीजेपी जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी। 11% राज्य के साथ सुशांत लगा।